देश विदेश की तमाम खबरों के साथ एक बार फिर हाजिर हैं। सलमान खान के पिता सलीम खान से गैलेक्सी में मिले बी के सदस्य। फिल्म जगत के सुप्रसिद्ध राइटर एवं प्रोड्यूसर साथ ही अभिनेता सलमान खान के पिता सलीम खान से उनके निवास स्थान गैलेक्सी में बी के सदस्यों ने उनसे स्नेह भरी मुलाकात कर उन्हें परमात्म संदेश दिया। संस्था की अतिरिक्त मुख्य प्रशासिका राजयोगिनी बी के जयंती दीदी के साथ मुख्यालय से वरिष्ठ राजयोग शिक्षिका बी के हंसा, बी के देवी और स्थानीय सेवा केंद्र से बी के स्मिता ने उन्हें उनके जन्मदिन के निमित्त शॉल उड़ाकर उनका सम्मान किया। संस्था का संक्षिप्त में परिचय देते हुए देश विदेश में हो रही सेवाओं की जानकारी दी। साथ ही मुख्यालय माउंट आबू आने का उन्हें निमंत्रण दिया गया। हुसैनाबाद ट्रस्ट द्वारा हुए सर्वधर्म सम्मेलन में ब्रह्मा कुमारी आमंत्रित। हाल ही में सौहार्द, भाईचारे एवं एकता का सुंदर नजारा देखने को मिला। जी हां, लखनऊ हुसैनाबाद ट्रस्ट द्वारा सर्वधर्म सम्मेलन का आयोजन किया गया। यूनिटी कॉलेज के फाउंडर पद्मभूषण शिया धर्मगुरु मौलाना कल्बे सादिक, जो लखनऊ मुस्लिम समाज के प्रतिनिधि थे, उनकी तीसरी पुण्यतिथि पर सर्वधर्म सम्मेलन का आयोजन हुआ, जिसमें ब्रह्मा कुमारी की ओर से गोमती नगर सेवा केंद्र प्रभारी एवं वरिष्ठ राजयोग शिक्षिका बी के राधा को भी मुख्य अतिथि के तौर पर आमंत्रित किया गया। बी के राधा ने सभी को परमात्मा का सत्य परिचय देते हुए आपसी सौहार्द द्वारा सुखमय जीवन पर बात की। तेरा मेरा फिर ऊंचा नीचा, मेरा अच्छा मेरा अच्छा, मेरा बड़ा मेरा बड़ा, इसी में ही हम लगते झगड़ते रहते। लेकिन अच्छी चीज को पाने के बाद हमें क्या बनना है, हमने कभी नहीं सोचा। इस कार्यक्रम में लखनऊ सीएमएस के फाउंडर जगदीश गांधी भी सम्मिलित हुए और लखनऊ सिख धर्म एवं क्रिश्चियन धर्म के प्रतिनिधि तथा अन्य धर्म के प्रतिनिधि भी मौजूद थे। धर्म गुरुओं समेत बीके जयंती ने फेस्टिवल ऑफ स्पिरिचुअलिटी में किया संबोधित। मुंबई में बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स के जियो वर्ल्ड कन्वेंशन सेंटर में बीडब्ल्यू वेलबींग वर्ल्ड द्वारा फेस्टिवल ऑफ स्पिरिचुअलिटी का भव्य आयोजन किया गया। एम्ब्रेसिंग इनर हार्मनी विषय पर हुए इस आयोजन में कई धर्मों के प्रतिनिधियों समेत ब्रह्मा कुमारी से संस्था की अतिरिक्त मुख्य प्रशासिका राजयोगिनी बी के जयंती दीदी को मुख्य संबोधन के लिए आमंत्रित किया गया। इस कार्यक्रम का लक्ष्य यही था कि प्राचीन ज्ञान और आधुनिक विज्ञान की खोज करते हुए आंतरिक शांति विकसित करें और अधिक सामंजस्यपूर्ण जीवन यापित करें। आगे आचार्य लोकेश मुनि जी, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रसिद्ध आध्यात्मिक गुरु स्वामी मुकुंदानंद जी, डिवाइन शक्ति फाउंडेशन की अध्यक्षा साध्वी भगवती सरस्वती, बीडब्ल्यू बिजनेस वर्ल्ड के अध्यक्ष डॉक्टर अनुराग बत्रा समेत अन्य वक्तागणों ने भी अपना संबोधन दिया। रशिया के सेंट पीटर्सबर्ग स्थित ब्रह्मा कुमारीज के लाइट हाउस रिट्रीट सेंटर पर सेंट पीटर्सबर्ग स्टेट यूनिवर्सिटी ऑफ इंडस्ट्रियल टेक्नोलॉजीज एंड डिजाइन के करीबन 50 स्टूडेंट्स एवं प्रोफेसर्स ने विजिट कर आध्यात्मिक ज्ञान लिया। इस अवसर पर सभी को योग गैलरी के माध्यम से आत्मा परमात्मा कर्मों की गुह्य गति का राज समझाया गया, साथ ही राजयोग की विधि और सिद्धि से भी अवगत कराया गया। हेर्जे स्टेट पेडियागोगिकल यूनिवर्सिटी एंड द रशियन क्रिश्चियन अकेडमी फॉर द ह्यूमैनिटीज के भी करीबन 25 विद्यार्थियों ने रिट्रीट सेंटर का अवलोकन कर परमात्म संदेश लिया। यह आयोजन सेंट पीटर्सबर्ग में ब्रह्मा कुमारीज की निदेशिका बी के संतोष के निर्देशन में संपन्न हुआ। बीती बातों को भूल जाएं और हर दिन को एक नए उमंग और ताजगी के साथ जिएं। पुराने संस्कार छोड़ने होंगे, पुरानी सोच छोड़नी होगी, रिश्तों में लगी पुरानी गांठें खोलनी होगी, तभी हमें खुशी प्राप्त होगी। यह विचार ब्रह्मा कुमारीज के अंतर्राष्ट्रीय प्रेरक वक्ता एवं जीवन प्रबंधन विशेषज्ञ बी के शिवानी ने कहे। दरअसल ब्रह्मा कुमारीज बरेली द्वारा आयोजित जिंदगी बने खुशहाल कार्यक्रम में वह अपना वक्तव्य दे रही थी। यह आयोजन बिशप मंडल इंटर कॉलेज ग्राउंड में आयोजित हुआ। इस कार्यक्रम का शुभारंभ सभी अतिथियों दीदियों द्वारा दीप प्रज्वलन कर हुआ। लखनऊ से आई बी के राधा ने बी के शिवानी का विस्तृत परिचय कराया तो वहीं बी के पार्वती ने सभी अतिथियों का, गणमान्य आगंतुकों का स्वागत किया। इस अवसर पर 8000 से ज्यादा संख्या में शहर के तमाम प्रशासनिक अधिकारी, राजनीतिक क्षेत्र से जुड़े व्यक्ति, तमाम गणमान्य नागरिक, विशेष रूप से बरेली के मेयर उमेश गौतम, विधायक संजीव अग्रवाल, SLMG ग्रुप के चेयरमैन लधानी, IMA प्रेसिडेंट डॉक्टर राजीव गोयल एवं ब्रह्मा कुमारी से जुड़े बरेली और आसपास के क्षेत्र से बड़ी संख्या में बीके भाई बहने उपस्थित रहे।
गुरुग्राम स्थित ब्रह्मा कुमारीज के ओम शांति रिट्रीट सेंटर एवं डेलॉयट कंपनी के संयुक्त प्रयास से वृक्षारोपण कार्यक्रम संपन्न हुआ। यह वृक्षारोपण कार्यक्रम सिधरावली स्थित सरकारी महाविद्यालय में हुआ, जहां वन विभाग के करीबन 20 वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे। डेलॉयट कंपनी के इम्पैक्ट डे के अवसर पर कॉलेज के प्रांगण में काफी संख्या में वृक्ष लगाए गए। इस कार्यक्रम में ओम शांति रिट्रीट सेंटर से बीके अशोक, बीके ख्याति, बीके चंद्रकांत, बीके दीपेश, बीके अखिलेश एवं संस्था के अनेक सदस्यों का विशेष सहयोग रहा। कल्प तरु क्या है? कल्प, तरु और रूह, इसमें तीन शब्द हैं। कल्प माना संकल्प और तरु यानी वृक्ष और रूह माना आत्मा, जिसके अंदर पर्यावरण और आत्मा दोनों को हम अपने संकल्पों के माध्यम से उन्नत कर सकते हैं। इस अवसर पर लखनऊ DFO डॉक्टर रवि कुमार सिंह समेत अन्य महानुभावों ने भी अपने विचार रखे। प्रकृति को शांति के प्रकंपन देकर सभी ने कुछ क्षण मेडिटेशन किया एवं पर्यावरण संरक्षण का संकल्प लिया। किसी ने फल लगाए तो आज हमने खाए और हम लगाएंगे तो सभी उसको खाएंगे। ओम शांति ये बार बार हमारे को इस बारे में उत्साहित भी करते हैं और हमारा पूरा सहयोग देते हैं। हमने यहाँ पर बहुत फ्रूट ट्रीज लगाए हैं। मुझे लगता है ऐसे करते करते तो यहाँ पर बहुत बड़ा बगीचा, एक तो बगीचा बच्चों का है ही, वो यहाँ पर शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, और एक फलों का बगीचा भी तैयार हो जाएगा। For a common purpose, which is very essential for all of us as human beings, especially encouraging this young generation. You can see the general which is here, and we were all excited. Just to your surprise, we had to register for this event, and you know, at the last moment, there were a lot of people who joined us to come together for this. So this shows that we are going in the right direction, and with the support of organizations like these NGOs, we will definitely make a positive impact on the organization towards the conservation and creating a sustainable environment. If you are community lands mein ja rahe hain to aapko peepal, ficus, pakad, bargat trees lagane chahiye. Those gives 24 hours oxygen. Agar aap kisi choti land mein ja rahe hain ya schools mein ja rahe hain to aap wahan pe wo ped lagaiye jo wahan ke bacche kha sake. Even in UP mid day meal scheme ko humne is plantation drive se joda. And the gooseberry, which we call amla, we call tamarind, we also promote kamrak, we promote karonda, and all these plants which gives the favorite fruits to the children. आज के बुलेटिन में बस इतना ही। देश विदेश के अन्य खबरों के लिए देखते रहिए मधुबन न्यूज़।